हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है ना वो एकदम नॉर्मल ब्लॉग है। मैं किसी ट्रिप पे नहीं जा रहा। एक्चुअली जब मैं कुसानी गया था ना, तो हल्द्वानी क्रॉस करने के बाद जो है मेरी बाइक की जो पीछे वाली नंबर प्लेट है वो टूट गई थी। तो मैंने ऑनलाइन जो है उसके लिए अपॉइंटमेंट ली थी, और आज अभी जो मैं निकल रहा हूँ वो अपनी नंबर प्लेट चेंज करवाने के लिए निकल रहा हूँ। पर उससे पहले एक छोटा सा काम है, पहले वो पूरा करूँगा, देन फिर यहाँ पे ये जो बजाज का शोरूम था मुझे यहाँ पे आना है, क्योंकि KTM और बजाज की जो है गठबंधन की सरकार है, और जो अपॉइंटमेंट मिली थी वो नज़दीक के बजाज के शोरूम में मिल गई थी, और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा। अगर KTM के लिए जाना पड़ता तो लाजपत नगर या फिर जहाँ से मैंने बाइक ली थी करांट प्लेस, वहाँ जाना पड़ता। पर अच्छा है, पेट्रोल बचेगा, टाइम बचेगा, और बहुत दिनों के बाद अपने लोकल एरिया में ब्लॉग करने का मौका मिल रहा है। मैंने सोचा चांस है तो फिर बनाना चाहिए। और यार निकलो, और क्या है कि है ना, इस बारे में लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पूरा प्रोसीजर क्या है, अगर नंबर प्लेट टूट जाती है तो कैसे उसको चेंज करवाना चाहिए। अब चलते हैं बजाज के शोरूम की तरफ। दोस्तों, मेरी बाइक की नंबर प्लेट जो है वो चेंज हो चुकी है, और अब चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि टूटी हुई नंबर प्लेट के साथ अगर आप बाइक ड्राइव करते हो तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो आपको रोक सकती है और आपके ऊपर 5 से 10 हज़ार रुपये का फ़ाइन लगा सकती है, जो कि वाकई में बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इतना बड़ा अमाउंट पे करने से अच्छा है कि आप घर बैठे आप बाइक की जो है नंबर प्लेट वो चेंज करा सकते हो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ऑनलाइन जो है वो रिक्वेस्ट डाल सकते हो, और विद इन 1 वीक जो है आपकी नई नंबर प्लेट जो है वो रेडी हो जाएगी और आपको मिल जाएगी। सबसे पहले ब्राउज़र में जाके आप SIAM.in टाइप कीजिए, तो ये वेबसाइट ओपन होगी, और इसके राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो एक आपको लिंक मिलेगा बुक HSRP, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद ये पेज ओपन होगा, और यहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए पूछा जा रहा है वो आपको फिल करनी होगी, फुल नेम, ईमेल, स्टेट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल, डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद फिर आपको जो है ये पेज पर जाके सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ये पेज ओपन होगा, और यहाँ पे जिस कंपनी की आपकी बाइक है उस कंपनी पे जाके आपको क्लिक करना होगा। तो
मेरी जो बाइक है वो रॉयल इनफील्ड हर कंपनी की है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ये एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे मुझे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन ये फिर से एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए पूछा गया वो आपको फिल करनी होगी और देन फिर आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका नया पेज ओपन होगा और यहाँ पे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, लाइक ऑनर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बिलिंग एड्रेस, सिटी एंड देन फिर आप जो है नीचे जाके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पे एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन हुआ है, इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप होम डिलीवरी पे क्लिक कर सकते हैं या फिर डीलर अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप होम डिलीवरी पे क्लिक करते हो तो आपको 125 रुपये जो है एक्स्ट्रा देने होंगे और अगर आप डीलर अपॉइंटमेंट लेके और अपनी नंबर पे चेंज कराना चाहते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना होगा। तो मैं डीलर अपॉइंटमेंट पे जो है क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ डीलर्स की लिस्ट आ जाएगी जहाँ जाके मैं अपनी नंबर पे चेंज करा सकता हूँ। तो सबसे पहले बालाजी मोटर्स मेरे जो है घर के नज़दीक है और तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे जाके और डीलर को जो है मैं कंफर्म करता हूँ। तो ये मेरी कुछ लिस्ट है, ये स्लॉट जो है मेरे को 30 तारीख का अवेलेबल है और इसके बाद नेक्स्ट मंथ में भी अवेलेबल है, पर मैं 30 तारीख का जो है स्लॉट जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे टाइमिंग स्लॉट भी है तो मैं 12 से और 2 बजे वाला जो है टाइम स्लॉट चूज़ कर लेता हूँ और अवेलेबल पे क्लिक करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। तो मेरे सामने जो है बुकिंग समरी है और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको एक बार चेक कर लीजिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो, अगर कोई मिस्टेक होगी तो आगे जाके दिक्कत हो सकती है। और अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है तो फिर तो आप यहाँ से जो है अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और इसके बाद आपको जो है एक रिसीप्ट जो है वो मिलेगी और वो जो है आप प्रिंट निकाल के लेके जा सकते हैं। जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट है आप उस दिन डीलर के पास जाके अपनी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं जैसे कि मैंने लगवाई थी। दोस्तों आई होप कि छोटा सा इंफॉर्मेटिव जो वीडियो मैंने बनाया वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो आगे में पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू अगेन।